हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्वनी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच कॉमर्स क्लासेस। आज मैं अपने जो इस वीडियो की शुरुआत एक सेंटेंस के साथ करूंगा कि उठोगो, जागो और भागो, और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। ये सेंटेंस मेरा नहीं है, ये कोटेशन मेरी नहीं है, ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की है, जो इन्होंने पूरे सारे यूथ्स के लिए दी थी, सारी युवा पीढ़ी के लिए दी थी, और जो उन्होंने उस टाइम पर दी थी और वो आज भी काम आ रही है। आज भी जो युवा पीढ़ी है, इस कोटेशन से अपने आप को मोटिवेशन उनको मिलता है और वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो कोटेशन तब उन्होंने दी थी और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए थी। ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग कर जाते हैं कि वो बहुत पहले उन्होंने जो काम किया वो पुराने उस टाइम पर भी लोगों के काम आया और आने वाले टाइम पर भी लोगों के काम आएगा। तो मैं आज आपको एक इस कोटेशन के बाद, इस कोटेशन का मतलब क्या है कि जस्ट ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो जाओ राइट और दौड़ना चालू कर दो। केवल फिजिकल रनिंग से मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब केवल फिजिकल रनिंग से नहीं है, फिजिकल मूवमेंट से नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो उठो जागो और पढ़ना शुरू करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उठो जागो बिजनेस करो। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ये है कि साहब, ये बात तो ठीक है कि उठोगे जागोगे और बिजनेस कर लोगे, उठोगे जागोगे और आप पढ़ाई कर लोगे, लेकिन सीधे उससे नहीं होगा राइट। उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन बताइए आप कि आपको थकान सबसे ज़्यादा कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, या जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं? कब होती है थकाई? जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तब थकान होती है आपको, टायर्डनेस फील करते हैं आप, या फिर आप एनर्जी फील करते हैं राइट? सोचिएगा इस बारे में, सोचिए इस बारे में और मुझे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा राइट। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात पूरे एश्योरेंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा वो केवल ऐसा नहीं है कि ओवरऑल केवल एक डिस्कशन हो और आपको बस आप सुन लो और जस्ट पैसेज ऑफ टाइम के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, बस इस पर्पज़ के लिए नहीं है वो राइट। दैट इज़ फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में फील कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो आपके भी काम में आए ठीक है। अच्छा, अब उस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से क्या है थोड़ा सुनिए और वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपने मेहनत कर ली तो आप थक गए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो थक गए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लिया तो थक गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है, ऐसा 90% लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, ऐसा हकीकत में नहीं है। जो रियलिटी है दैट इज जस्ट अपोजिट टू इट, रियलिटी इज टोटल अपोजिट टू इट राइट। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो नहीं थकते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो नहीं थकते हैं, कम काम करते हैं तो थकते हैं, कम फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो थकते हैं, कम पढ़ाई करते हैं तो थकते, नींद आती है आपको राइट। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेना। वो लोग जो तुरंत सुबह उठे और पढ़ने बैठ गए वो जल्दी थकेंगे, या जो सोते समय पढ़ने बैठे वो जल्दी थकेंगे, या जो सुबह उठे और नहाए धोए तैयार हुए और फिर उसके बाद में वहां पे बिजनेस करने चले गए वो जल्दी टायर्डनेस फील करेंगे राइट। आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, मैं तो कर रहा हूं ना, इसीलिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भाई। जब भी, अब जो मैंने सीखा है इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मुझे कुछ हैवी टास्क करना होता है राइट, एनर्जेटिक टास्क करना होता है, तो उससे पहले मेरे को अपने आप को एनर्जी देनी होती है, और एनर्जी आराम करने से के बाद नहीं आती है, मेहनत करने के बाद आती है राइट। आप एनर्जी, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, 10 आधे घंटे की वॉक करो, आधे घंटे की जॉगिंग करो, आधे घंटे का वर्कआउट करो, जिम में करो, योगा करो, कुछ भी करो, पसीना बहाओ, उसके बाद आप थकोगे नहीं, विश्वास मानना, कोई नहीं थकता है। उसके बाद एनर्जी आती है, एनर्जी के लिए मेहनत करनी है, और जब एनर्जी आ जाएगी तो आप ज़्यादा उसके एक्साइटमेंट के साथ अपना वो काम कर पाओगे जिसमें जिसके लिए आप जुड़े हुए हो, जिसको आप करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी गोल हो राइट।
अगर आप सही वास्तव में उसको ढंग से पूरा ऑप्टेन करना चाहते हो तो आपको पहले अपने आप को थकाना होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं जो 8-8 घंटे पढ़ते नहीं थकते भाई, लेकिन ऐसे उनके अपोजिट 90% पीपल ऐसे भी हैं जो केवल 1 घंटा पढ़ते हैं और बहुत थक जाते हैं, जैसे उन्होंने उससे भी ज़्यादा मेहनत कर ली है। इसका सिंपल रीज़न ये है, वो मेहनत नहीं करते, मेहनत से भागते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत से थकते नहीं हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की मेहनत हो, फिजिकल वर्कआउट हो, चाहे वो आपका जो है पढ़ाई हो, चाहे वो आपका पार्टिसिपेशन हो किसी भी एक्टिविटी में, या फिर आपका जो है बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, वो थकते नहीं हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि और ज़्यादा एनर्जी से काम करते हैं। रीज़न उसका क्या है? वो एंजॉय करते हैं। अपोजिट में कौन से लोग थकते हैं? वो लोग थकते हैं जो कम काम करते हैं, कम मेहनत करते हैं और आराम जल्दी करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं, राइट? आप एसी में पढ़ने बैठो तो आपको टायर्डनेस आ जाएगी, कॉन्ट्रेरी आप फिजिकल वर्कआउट करने के बाद पढ़ने बैठो तो पंखा भी सफिशियंट है, सीलिंग फैन भी सफिशियंट है, टेबल फैन भी सफिशियंट है, वो आपको एनर्जेटिक रखेगा। तो सिंपल सा अगर हम कंक्लूड करें अपने वर्ड्स को, तो आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है जो आप अप्लाई कर सको अपनी लाइफ में, अपने डेली शेड्यूल में, अपनी एक्टिविटी में, इन ऑर्डर टू गेट योर गोल, इन ऑर्डर टू गेट योर गोल, दैट गोल कैन बी एनी काइंड ऑफ, एनी शॉर्ट ऑफ, लाइक डूइंग टॉप इन योर एग्जाम्स, डूइंग अ हाई प्रोफाइल बिजनेस, डूइंग अ जस्ट गेटिंग हाई पेड जॉब, और दैट कैन बी एनी अदर गोल ऑल्सो। आपको करना क्या है ये सब चीज़ें ऑप्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में? आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, और मेहनत ज़्यादा केवल ऐसा नहीं करनी है दिखाने के लिए करनी है। बच्चा किताब, एक स्टूडेंट है किताब लेके सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, उसका प्रोडक्टिव देखो, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आती है उसकी, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, वो बेमन से बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा जो मन से कर रहा है वो 4 घंटे में भी रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे मन से कर रहा है, वो थक नहीं रहा। और जब मन से करता है आदमी तो पसीना जब बहता है ना, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो वो उसको एनर्जी देता है, थकान नहीं देता, वो इसको एंजॉय करता है, राइट? ब्लड में ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकता है। तो सिंपली आपको समझना केवल इतना है कि कोई भी अगर गोल अचीव करना है तो आप फिजिकल मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और मन से करो, और अपने आप को वर्क करके इंजॉय फील करने की सिचुएशन तक पहुंचो। कोई एक प्लेयर बहुत सारा पसीना बहाने के बाद भी खेलना चाहता है, और राइट, बच्चे हैं, बहुत सारा पसीना आ रहा होता है लेकिन आप रोक रहे होते हो, वो नहीं रुकते हैं, वो खेल रहे होते हैं, और क्योंकि वो इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं रात में, राइट, उनको रोका जाता है कि रुकिए आप, बस सो जाइए, लेकिन वो रुकते नहीं है, वो पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, राइट? लेकिन कुछ लोगों से दिन भर कहते रहो आप पढ़ो, दिन भर कहते रहो आप काम पे जाओ, दिन भर कहते रहो आप कि भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, कॉम्पिटिटिव करो, वो नहीं करते हैं क्योंकि वो इंजॉय नहीं कर रहे, वो थक रहे हैं उससे, वो बोर हो रहे हैं उससे। तो जब तक आप अपने काम में कोई ऐसी क्रिएटिविटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो कि आप उसको इंजॉय करने लगो, राइट, काम कोई सा भी हो, पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो, जॉब का हो, तब तक आप बहुत कम काम करोगे, बहुत जल्दी थकोगे और रिजल्ट प्रोड्यूस कुछ नहीं करोगे, केवल शो ऑफ है वो। यकीन जानिए आपको करना बिल्कुल अपोजिट होगा, ज़्यादा काम करना होगा, उस लेवल तक करना होगा जिस लेवल पे आपको अपने काम करने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बाद भी आपको थकान फील ना हो, पसीना बह रहा हो, लेकिन फिर भी आप इंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि थोड़ा और काम करना चाहिए मुझे, आपको लग रहा हो कि थोड़ा और काम करना चाहिए मुझे, थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए मुझे, थोड़े और घंटे ओवर टाइम करना चाहिए मुझे, राइट? क्योंकि और ऐसे लोग अगर घर पे भी जाते हैं ना, थके हुए नहीं जाते हैं, वो फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं, वो फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, अपना एक जो रियल टाइम है, अपना जो बहुत ही सॉलिड टाइम है वो देते हैं, एनर्जी के साथ बात करते हैं, एनर्जी शेयर करते हैं। आप देखो ना फॉरेन कंट्रीज में वो सारे लोग इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साहब उनको फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी अच्छी चीज़ मिले उसे फॉलो करो, वो फॉरेन कंट्री की हो, अपनी कंट्री की हो, आपके बराबर के आदमी की हो, आपसे बड़े किसी
एल्डर की हो, आपके फादर की हो, आपसे यंगर की क्यों ना हो, छोटा भाई है, छोटी बहन है, छोटा बच्चा है कोई, हम तो अपने स्टूडेंट से भी सीखते भाई, राइट। तो दिस इज वॉट इन टूडेज कंक्लूजन, एंजॉय योर वर्क टू द एक्सटेंट कि आपका पसीना बह रहा है लेकिन आपको काम और करने का मन कर रहा है, उस लेवल तक पहुंच गए तभी समझिए आप वास्तव में काम कर रहे हो और थक नहीं रहे हो, काम को एंजॉय कर रहे हो। जब आप एंजॉय करने लगोगे, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो, खेलो, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट। इस वीडियो के बारे में कमेंट सजेशन बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले कि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। हमारा मोटिवेशन कब आएगा, जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि साहब क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, या क्या हमें और नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर ऐश्वर्य शर्मा साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू, गुड बाय।